हो गया छत पे इनको पहचानती हूँ मनीषा हम लोग पहचान मतलब इसमें पहचानने वाली बात है डेली रील्स यूट्यूब सब कुछ देखते हैं हो गया तो देखिए अब मानसी का पापा का फाइनल अब कितना अच्छा लग रहा है। हाँ तो अभी दोस्तों दोनों बहनें अभी तैयार हो गई हैं और देख सकते हैं चलो चलो चलते तो कैसे आप सब उम्मीद अच्छे होंगे नब्बे अच्छे स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में चलो अब चलो हो गया तभी मानसी को ले जा रहे हैं बाहर तो अभी मानसी को लेके हम बाहर घुमाने जा रहे हैं दोस्तों और ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि गाना चल रहा था और कुछ बोला भी नहीं था मैंने क्लेम आ जाता तो अभी देख सकते हैं मानसी को मैं खिला रहा था ऐसे गोल गोल क्योंकि मानसी बार बार मेरे से बोल रही थी पापा गोल गोल खिलाओ तो मैं उसको गोल गोल खिला रहा था अभी ले जा रहा था बाहर क्योंकि काजल जो है रेडी हो रही थी घर में अंदर और अभी मैं टेंट में ले जा रहा हूँ शमियाना दिखाने मानसी को चलिए चलते हैं और बहुत ही अच्छा सजावट हुआ था बहुत ही प्यारा लग रहा था तो आप सब बने रहिए और चलिए टेंट में दिखाते हैं आपको किस तरह का सजावट है तो देख सकते हैं यहाँ से गेट था और इधर ट्रैक्टर भी आ रहा था चलो डांस करो तो बारात भी आने ही वाला था हाँ दिख रहे नहीं है डांस कर रही थी मानसी एकदम हाँ मानसी को डांस करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था ये बार बार डांस करने जा रही थी और ये हम लोग ड्रेस पहनाए थे क्योंकि ये अच्छा लग रहा था देखने में और बाद में हम निकाल भी दिए थे जब अच्छा गर्मी होने लगा तो फिर दूसरा पहना दिए थे और यहाँ पे देख सकते हैं सजावट कुछ इस तरह का हुआ है इधर सारे बच्चे पार्टी हैं इधर जो पुचका मतलब गोलगप्पे और छोले वगैरह सब फ्री है खाने के लिए कोई भी खा सकता है और अभी इधर जा रहे थे तो यहाँ पे खाना खाने के लिए टेबल वगैरह सब लगाया गया है देख सकते हैं और बाकी इधर जो है खाना वाले जो वेटर होते हैं वो लोग भैया थे सब लोग तो वो लोग ही निकाल निकाल के देते थे और काफ़ी अच्छा सिस्टम था खाने पीने का और अभी देख सकते हैं यहाँ पे क्या है जो डांस चल रहा है ये जिस हाँ बच्चों के लिए तो डांस ही तो हो रहा देखो ये सब हम देखे थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था डांस वगैरह और मानसी अभी भी कूद रही थी और यहाँ पे मैं टाई लगाया हूँ खुद से गूगल से देख के सॉरी यूट्यूब से क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था तो मैं यूट्यूब से देख के टाई लगा लिया तैयार हो गए और ये यूट्यूब पे देख के लगाए हैं पता ना कैसा है चली जाओगी जाओ सब लोग तैयार हो गए हैं भैया भी तैयार हो गए मिस्टर भैया भी तैयार हो गए इंट्रोडक्शन हो रहा है क्या नाम है गांव के बच्चे परेशान करते हैं गाइस क्या कर रहे हैं एक बच्चा पीछे खड़ा है बात हो रही है भाग गया वो अभी लेडीज लोग सब लोग तैयार हो रही है तो चलिए दिखाएंगे अभी तैयार हो जाने दीजिए हम लोग लगभग एक डेढ़ घंटा पहले ही लगभग तैयार हो चुके हैं और अब हम कुछ नहीं पहना खाली ये बाल पहन टेढ़ा सीधा अभी कराएंगे और मानसी आप लोगों ने देखा है इसका ड्रेस हमको लग रहा है बहुत जल्दी है ना सारे लोग इधर रेडी हो रहे हैं और दुल्हन को देखे कितना सुंदर लग रही है ठीक है
अभी दूंगी, रुको रुको। क्या कर रही हो बेटा? चिप्स खा रही हो? तो अभी काजल भी रेडी हो गई दोस्तों, देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक लहंगा पहन लिया और रसगुल्ला खा रही है। खाए ना, ना कुछ है। हम ना खाए हम भी, हम लोग भी मतलब सब लोग रेडी हो गए थे, आप देखे थे। काजल भी रेडी हो गई है और मानसी खा रही है। हमसे बार बार सब लोग पूछ रहे हैं आप रेडी हो गए हो, रेडी होने के बाद सब लोग रेडी हो, और कुछ नहीं पहनना हम लोग ने। तो अभी दोस्तों दोनों बहनें अभी तैयार हो गई हैं और देख सकते हैं हो गई हैं। हम हमेशा रिस्पेक्ट रखते हैं और देख सकते हैं नहीं हो गई हैं। और ये वाला जो मैंने खरीदा था अपने पसंद का, और दीदी भी खूब अच्छे से लहंगा पहन, लहंगा है ना क्या, काउज गाउज जो भी है। और काजल ने शरारा पहन लिया एकदम मस्त, और मानसी ने फ्रॉक पहना है, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इधर इधर भी आंटी सब है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सब भी सुंदर। तो चलिए अभी बारात भी आने वाला है। हाँ बेटा आप भी सुंदर लग रही हो, आप भी स्मार्ट लग रही हो, चलो ऐसे घूम जाओ एक बार। वाह वाह बहुत सुंदर, ठीक है। बहुत भारी था इसलिए, हाँ। और एक भी बार नहीं पहनी थी, छोटा हो रहा था इसलिए इसको लाया। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सब कमेंट मत कीजिएगा। हम बोल रहे थे कि ब्लैक वाला कोट, मैं अपना कोट नहीं लाया, बस शर्ट लाया और ये पैंट और टाई और जूता। जूता देखो कितना मस्त, फर्स्ट टाइम ऐसे कोट जूता, तो फिर भी ठीक लग रहा है। हाँ पीछे घूमने तने हमको लगा बैठ गए वहाँ, मिट्टी लगा लिए। सही है, सिंपल है। हम मतलब सबसे अलग हम ही पहने हैं, बाकी सभी लोग कोट पहने इन कोट भूल गए। दो दो कोट है घर पर, है ब्लैक है और एक ब्लू है। अंदर ऐसे हां अंदर शूटिंग अच्छे लगेंगे, अच्छा लगेगा। हां ज्यादा इसे बड़ा हो जा रहा है ना, ऐसे ज्यादा ही बड़ा हो गया, इसमें अंदर इतना पे रहता तो हो जाता। चलिए अंदर करके, अंदर जाके सेट कर लो। चलिए एक बार करके देखते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग, है ना। बंद करो, कर ली भैया, कर और ऊपर करिए। तो वो तो मैं कर ही तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हां देख के आते हैं, भूख लगा आपको? हाँ बहुत जोर से। चलो ना अंदर चलते हैं, चलो चलते हैं, मानसी पापा को रेडी करा दो। हां तो उसमें का ला, ये देखिए भैया, भैया थोड़ा मानसी का फोटो निकालो ना, भेज देना यहां मानसी पापा को। भेज दोगे? हां एक निकाले यार सब लोग, फिर हम दोनों का भी निकालना, हस्बैंड वाइफ का। ऐसे भूषण भैया का भी कैमरा में निकाल दूंगा, उनसे भी आप ले सकते हैं, एक उनका एक मेरा और बड़ा वाला मेरा है। आप सही से हो गया तो देखिए, अब मानसी का पापा का फाइनल लुक अब कितना अच्छा लग रहा है। हाँ सही में, और इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, दो दो कोट है। आए बोल रहे थे सबसे अलग देखूंगा, सबसे अलग देखूंगा। पापा कैसे दिख रहे बताओ? ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। आप भी अच्छे लग रही हो, है ना? कुछ नहीं, उसको देखो बजरंगी को। दोस्तों चलते हैं समियाना में, समियाना टेंट में। और अभी इन कर लिए हैं, काफी लोग बोले तो हम इन कर लिया, देखिए कैसा लग रहा है। तो अभी काजल और मानसी दोनों लोग चल रहे हैं इसमें टेंट में, और बहुत ही अच्छा सजावट हुआ है, देख सकते हैं सभी लोग यहीं पे हैं। सरस्वत भैया भी यहीं है, मिस्टर भैया भी यही है। तो अभी काजल पानी पी रही है, बारात आ गए थे लोगे, ये जरा हमारे चल बल उन्हें। भागो 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 भागो। हम वीडियो बना रहे हैं।
तो अभी यहाँ पे तिलक चढ़ने जा रहा है, क्योंकि कहीं कहीं होता है कि तिलक दो दिन तीन दिन पहले चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे तिलक और बारात दोनों सेम है। हमारे यहाँ भी पहले ही चढ़ जाता है तिलक, तो अभी तिलक। और यहाँ पे सचिन भाई आए थे, सचिन भाई और मनीषा दीदी, जिनसे हम पहली बार मिले, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं था कि हम कभी मिल पाएंगे, बट मिस्टर भैया घर पे आए तो हम भी मिल लिए। और सबसे अच्छी बात यह कि सचिन भैया हमें पहचान गए और शायद हमें पहले से देखे थे, और हम तो उन्हें डेली देखते हैं, हमेशा देखते हैं। एंड बहुत अच्छा लगा मिलके, क्योंकि ज़्यादातर तो बातें नहीं कर पाए क्योंकि वो आए थे बहुत ही लेट, बारात वरात सब आ गया था तब आए थे, तो बहुत लेट आए थे, तो ज़्यादा देर तक मतलब नहीं मिलन हो पाया, बट जितना भी हुआ बहुत ही अच्छा लगा। ज़्यादातर बातें एक्चुअली क्या है कि अगर मान के चलिए कि हम पहली बार मिले ना, तो एक हो जाता है क्या बोले, कैसे बोले, क्या शुरुआत करें, तो इस तरह से नर्वस हो गए थे हम, थोड़ा अजीब लग रहा था, बट बहुत अच्छे हैं। कार्तिक सो गया छत पे, हम लोग पहचानने वाली बात है, डेली रील्स यूट्यूब सब कुछ देखते हैं, तो हम तो पहले से एक्साइटमेंट थे जब सुने थे आ रहे थे, तो और ज्यादा नर्वस हो गए जब सामने देखे थे, तो बहुत अच्छा लगा हमें मिलके। कैसे कैसे फोन में घुमा रहे हो जी? सचिन भैया आए हैं, मनीषा दीदी, सबसे मुलाकात हुई, बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। और काजल भी मानसी को सुला रही है, बाकी सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, उनके गले भी मिले, और वो हमें पहले से ही पहचानते थे, हम तो पहचानते हैं, हम तो हमेशा देखते हैं, तो ये अच्छा लगा काफ़ी। और इधर कुछ सब लोग बैठे हुए हैं अभी, और हमारा बाइक पे ना इतना ज़्यादा धूल मिट्टी जम जा रहा है ना, पूरी तरह से एकदम गर्दा गर्दा हो जा रहा है, दिन में तीन चार बार झाड़ रहे हैं, देखिए अभी भी बहुत सारा धूल मिट्टी जम गया, तो इसको साफ करेंगे और कल सुबह ही निकलना है, देखिए निकलेंगे। तो अभी काजल और जिया दीदी दोनों लोग इधर आए हैं, मीटिंग कर रहे हैं ना, इधर डांस वगैरह हो रहा है, सब फोटो वोटो, और भैया भी इधर ही खड़े हैं, पावर बैंक से चार्ज कर रहे हैं। तो अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, गोलगप्पा कस के ही बोल रहे हैं भैया, और खाना है गोलगप्पे सबको, तो चलिए भीड़ को थोड़ा साइड करके फिर खाते हैं गोलगप्पा। भैया आ गया हम पीछे पीछे, फिर हमारे पीछे भैया, यहाँ पे है गोलगप्पे, खिलाओ खिलाओ जल्दी जल्दी, हाँ डांस कर कर खिलाओ डांस कर कर खिलाओ सबको। तो दोस्तों अभी आंटी जी जाएंगे वहाँ जमाल को जाएंगे मौसी जी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा लगता है इनके मिलके, है ना, बहुत ख्याल रखती है, हर चीज ले आके देती है। चलो चलो चलते चलो, अब सारे लोग जा रहे हैं वहाँ, चल के अब दिखाएंगे मानसी को गोदी लेना। चालू कर तो नहीं चलूंगी सर, बढ़िया